नमस्कार, बोलस्काई में आप सभी का स्वागत है। जब बात महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स की हो तो ज्यादातर महिलाएं इसमें शर्म और संकोच महसूस करती हैं। महिलाएं अक्सर अपने अंडरवियर्स को लेकर सतर्क नहीं रहती और कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जो उनकी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। अंडरगारमेंट से संबंधित गलतियों से कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो जिस तरह महिलाएं अपने चेहरे बाल का देखभाल करती हैं, उसी तरह और उससे ज्यादा साफ सफाई और देखभाल की जरूरत उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी करनी चाहिए। इस बात को कभी न भूलें कि आपके प्राइवेट पार्ट्स को भी प्रॉपर केयर की जरूरत है। अक्सर महिलाएं सोते वक्त अंडरगारमेंट्स पहनकर रखती हैं, ऐसा ना करें। सोते वक्त अंडरवेयर ना पहनने की आदत डालें। बेशक बिना अंडरवेयर के सोना आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन महिला रोग विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे कुछ घंटों के लिए नजरअंदाज करें ताकि आपके प्राइवेट पार्ट की त्वचा भी सांस ले सके। लगातार कवर रहने से बैक्टीरिया बनने के लिए उपयुक्त अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। ये उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से जरूरी है जो आसानी से संक्रमण का शिकार हो जाती हैं। नमी के दिनों में कई बार थोड़ी दूर चलने के बाद भी हम पाते हैं कि पूरी तरह से हम पसीने में भीग गए हैं। आपको कपड़े बदलना पड़ता है क्योंकि कोई भी शरीर में चिपचिपा कपड़ा पहनना पसंद नहीं करता। लेकिन महिलाएं कपड़े तो बदल लेती हैं, लेकिन अंडरगारमेंट्स नहीं बदलती। जब आपको पसीना आता है तो वो एरिया पूरी तरह टाइट कपड़ों से चिपक जाता है। ज्यादातर पसीना अंदर रहता है, इसलिए गांठ बांध लें कि जब भी आप अपने कपड़े बदले तो अंडरगारमेंट्स बदलना भी जरूरी है। क्या आपने कभी भी वजाइना में सामान्य सी थोड़ी अधिक खुजली या फिर जलन महसूस की है? अगर ऐसा है तो अपने अंडरवेयर्स को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे डिटर्जेंट की जांच करें। ज्यादातर वक्त अधिक सुगंध वाले वॉशिंग पाउडर की सुगंध कपड़े धोने के बाद भी रह जाती है। पीएच बैलेंस योनि क्षेत्र में खुजली का कारण बन सकते हैं। सबसे बेहतर होगा कि हाइपोएलर्जेनिक वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। कभी भी सुगंधित क्रीम या जेल को वजाइना के आसपास इस्तेमाल ना करें। इस भाग को ठंडे पानी से अच्छी तरह से साफ करें, साफ लिनन के कपड़े से ही पोंछें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।